तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद, मतलब इस टॉपिक के बाद, हम आप लोगों को एग्जांपल बताएंगे। हर एक जो भी लीनियर मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताए उस पर आपको एग्जांपल बताएंगे। और एग्जांपल में आप दोनों टाइप का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखिएगा और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखिएगा। तो आज आप लोग इस लेक्चर में बने रहेंगे, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे उसका नाम था होमोजीनियस। क्या था? होमोजीनियस। होमोजीनियस पर हम आप लोगों को थ्योरी बताया है, बट अभी आप लोगों को एग्जांपल उसको नहीं बताया था। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जांपल की तरफ। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ आपको दिमाग में फॉर्म याद रखना, इसका दो टाइप का फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? dy बटा dx प्लस में py इक्वल टू q, याद रखिएगा। क्या होता है? dy बटा dx प्लस में py इक्वल टू में गति q, where p and q are function और constant। मतलब p और q या तो function भी हो सकता है और या constant भी हो सकता है। बस समझ में आया? या question के ऊपर depend करता है कि भाई question में कभी कभी function भी दे सकता है, कभी कभी constant भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, इसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको दिमाग में रखना है। दो चीज क्या क्या होता है? एक होता है आईएम। आईएम को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखिएगा। आईएम को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जिसके बारे में हम आप लोगों को समझते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स, समझ जाने, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा। दूसरा इसका सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है y गुणे आईएम। क्या होता है? y गुणे if इक्वल टू में q इनटू if इनटू में गति dx, यह आपका मतलब सॉल्यूशन का फार्मूला। तो दो चीज याद रखना, एक if याद रखना, एक सॉल्यूशन याद रखना। बस सिंपल सी बात है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लीजिए कि एग्जांपल देखेंगे उस समय थोड़ा सा बात है, नहीं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें एकदम तो सिंपल सी बात है ना। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला चीज आपको दिमाग में रखना है, एक if होता है। if का वैल्यू, if का फॉर्मूला बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है y गुणे if बराबर q into if into dx। और चलिए आगे बढ़िए, दूसरा दूसरा होता है, यानी सेम टू सेम है और जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे dy बटा dx प्लस py बराबर q है, यहाँ पे उल्टा है, dx बटा dy, यहाँ पे y के जगह पर x हो जाएगा। जहां जहां x है वहां y, और जहां y है वहां पे x हो जाता है। बस इतना खाली दिमाग में रखिए। देखिए एक चीज और दिमाग में रखिए, p and q are function और constant। अगर ये function होगा ना, यहाँ पे होगा in terms of x। अगर ये function होगा, function अगर ये होगा, ये किसके टर्म में होगा? x के टर्म में होगा। तो यहाँ पे समझिए dx बटा dy प्लस में px बराबर q, और यहाँ पे p और q फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो यहाँ पे किसके टर्म में होगा? इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे किसके टर्म में होगा? y के टर्म में। कांस्टेंट होगा तो बात ही खत्म है, लेकिन फंक्शन होगा तो y के टर्म में होगा, यहाँ पे x के टर्म में होगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे x था वहां पे y हो जाएगा, जो उसमें y था वो x हो जाएगा। तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, सॉल्यूशन बराबर x into i बराबर q into i f into में कहते dy। बस ये दो फॉर्म को आपको याद रखना है, और इसी दोनों फॉर्म से हम लोग पढ़ने के बाद हम एक दो इस पर एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल बहुत ही शानदार एग्जांपल सब हम आपको लेके आए हैं, समझ रहे हैं ना। डीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, देखिए हम लोग एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए जैसे एक दो एग्जांपल, तो पहले हम लोग इस पर ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, देखिए एकदम क्वेश्चन क्वेश्चन समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, dy बटा dx प्लस में कहती है sec स्क्वायर x y इक्वल टू में, जैसे मान लेते हैं आपके पास tan x, कहती है tan x, मान लेते हैं। चलिए dy बटा dx प्लस में sec स्क्वायर x इनटू में y बराबर में कहती है tan x। सबसे पहला हम लोग फॉर्म देखेंगे कि भाई जो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है या नहीं है। देखिए अभी जस्ट आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, dy बटा dx प्लस में py बराबर में q। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका फॉर्म क्या होता है? dy बटा dx प्लस में py इक्वल टू में क्या होता है? q होता है। यहां पे देखिए dy बटा dx प्लस में py बराबर में कहते q, इसका मतलब हो गया यहाँ पे मान लेते हैं sec स्क्वायर x होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
sec स्क्वायर x होगा तो यो चलेगा, अगर जो tan x रहता तो यो चलता, कोई दिक्कत नहीं, sec स्क्वायर x। देखिए तो सबसे पहला चीज हम आप लोगों को क्या बताते हैं, लिखेंगे हेयर। हेयर मतलब यहां p, p इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, p p इक्वल टू हो गया का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और q इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे इसका IF, क्या निकालिएगा, IF निकालिएगा, बस समझ में आ रहा है ना। तो IF हम लोग निकालेंगे, IF तो हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into dx बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कथी tan x, मतलब e IF का वैल्यू हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन का इसका जो फार्मूला होता क्या होता है, y गुने IF इक्वल टू q into IF into dx। चलिए तो y गुने IF, IF का वैल्यू डाल दीजिए, तो IF का वैल्यू कितना है, e के पावर tan x बराबर q, q q कितना है sec स्क्वायर x, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x into IF के वैल्यू e के पावर tan x into में का dt। हम tan x को क्या करेंगे, t मानेंगे, इंटीग्रेट करने आता होगा सबको ना, तो यहां पे हम tan x को क्या करेंगे, t मानेंगे। जैसे ही tan x को t मानेगा sec स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, y into e के पावर tan x बराबर tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचे e के पावर t into dt। इसके बाद यहां पे मर्दी होगा तो लिख दीजिएगा put t equal to tan x। अब देखिए तो y into e के पावर tan x बराबर e के पावर t के e के पावर t plus c, t का मान डाल दीजिएगा, तो y into e के पावर tan x, y into e के पावर tan x बराबर e के पावर tan x plus में c, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सलूशन आ गया। तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कोई खास होता नहीं है, समझ रहे हैं ना, आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल समझ के चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, चलिए हम आप लोगों को एक दो और एग्जांपल लेके चलते हैं। कहा जो क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 plus x square into dy बटा dx plus y equal to में कितना दिया हुआ है, e के पावर tan inverse x दिया हुआ। तो सबसे पहला चीज दिमाग में रखिएगा, देखिए हम अभी आप लोगों को क्या बोले हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म, जैसे फॉर्म क्या होता है, dy बटा में dx plus में py बराबर में कथी q। लेकिन कभी कभार ये बात आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट दे देगा, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट दे देगा तो उसे आप लोग दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिएगा, और जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि 1 plus x square से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 1 plus x square, हम लोग दोनों साइड में 1 plus x square से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, 1 plus x square into में dy बटा dx बटा 1 plus x square, फिर हो जाएगा y by 1 plus x square, फिर हो जाएगा आपके पास e के पावर tan inverse x by 1 plus x square। ठीक है, देखिए ऐसे अगर कहां लिखा था तो आपके पास बचेगा dy बटा dx प्लस में, एक आप ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1 plus x square into में कहते हैं y equal to में लिख सकते हैं e के पावर tan inverse x बटा में 1 plus x square, कहने का सेंस है। अगर भी इसको ढंग से देखा जाए, अगर भी इसको गौर से देखा जाए तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया, किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका फॉर्म आ गया, समझ रहे हैं ना। और यह जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, समझ रहे हैं ना, तो यह जो फॉर्म है आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, dy बटा dx प्लस में py अब बराबर में कहते हैं q का फॉर्म है, तो लिखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहां पे हो जाएगा आपके पास p बराबर हो जाएगा 1 by 1 plus x square, q बराबर हो जाएगा e के पावर tan inverse x by 1 by 1 plus x square। अब देखिए सबसे पहला काम क्या कर दीजिएगा, या तो p का वैल्यू हो गया, p के बाद अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे if, क्या निकालेंगे if, तो if का जो वैल्यू निकालिएगा तो एक फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square into में dx, अर्थात हो जाएगा e के पावर tan inverse x, कितना हो जाएगा e के पावर tan inverse x, कितना 1 by 1 plus x square का इंटीग्रेशन होता है e के पावर tan inverse x। यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं है तो चलिए अब इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है y गुने if बराबर q into if into में कितना dx। चलिए देखिए
वाई गुणे आई एफ, आई एफ का वैल्यू डाल दीजिए, आई एफ का जो वैल्यू आपके पास निकला है क्या निकला है, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स बराबर, चलिए क्यू, क्यू का वैल्यू डाल दीजिए, क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, पटा में कितना दिया हुआ है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर आई एफ का वैल्यू भी डाल दीजिएगा कितना, e के पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू में का थी, अब देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर क्या दिखाई दे रहा है कि tan inverse x को t मानिएगा तो 1 by 1 plus x square खत्म हो जाएगा, जो आप लोग याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि 1 by 1 tan inverse x को t मानेंगे तो 1 plus x square खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे put, क्या लिखेंगे put t equal to क्या लिखेंगे tan inverse x, put t equal to क्या लिखेंगे tan inverse x, चलिए अब यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा तो y, यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t, अब बराबर में कितना हो जाएगा e के पावर t into e के पावर t, यही तो खत्म हो जाएगा, into में क्या बचेगा dt, आगे बढ़िए तो y into e के पावर t बराबर में e के पावर t के होल स्क्वायर into में का dt, पावर के पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, y into e के पावर t बराबर e के पावर 2t into dt हो जाएगा, y into e के पावर t, e के पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा e के पावर 2t बराबर टाइम में 2 प्लस में कितना c, अब बस सब t का मान डाल दीजिए, तो देखिए t का मान डाल दीजिए तो ऊपर भी चलेगा, या कभी कभार देखिएगा तो इसे डिवाइड कर दिया रहता है, समझ रहे हैं, तो चलिए डिवाइड कर दीजिएगा तो ये होगा, तो इसीलिए लिखिएगा y बराबर तो e के पावर 2t बटा में 2 e के पावर t, डिवाइड कीजिएगा तो करो बटा में करो बटा में और c बटा e के पावर t हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, आपको देखिए और इनमें से एक घट जाएगा, देखिए बेस सेम रहने पर पावर घट जाता है, तो ऊपर बचेगा e के पावर t बाय 2 है, e ऊपर जाएगा पावर तो नेगेटिव c, e के पावर माइनस t प्लस में c, ये कौन चीज का वैल्यू हो गया y, मान डाल दीजिए तो e के पावर कितना tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c, e के पावर माइनस tan इनवर्स x प्लस में कितना c, बस यही आपका क्या होगी फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यही आप लोगों को क्या हो गया आंसर हो गया, तो बस हो गया कहानी खत्म, इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, अब एक टाइप का और फॉर्मूला आपको बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में खास करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, अब देखिए जो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फंसाएगा, समझ रहे हैं ना, और इसके अलावा तो खैर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे देखिए dy / dx + में xy बराबर में xy क्यूब, तो सबसे पहला चीज ये बात आपको दिमाग में रखना, देखिए हम क्या बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं जो लीनियर का जो फॉर्म होता है, तो लीनियर का जो फॉर्म होता है वो होता है क्या dy / dx + में py अब बराबर में क्या होता है q, तो p और q किसके टर्म में होना चाहिए x के टर्म में, लेकिन देखिए तो यहाँ पे जो बराबर वाला जो संख्या दिया हुआ है वो किसमें y में दिया हुआ है, तो अगर तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला आप लोग काम क्या कीजिएगा दोनों साइड में वाई क्यू से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो y वाला टर्म रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इधर वाला जो होना चाहिए वो सिर्फ x वाला टर्म होना चाहिए, कति वाला टर्म होना चाहिए सिर्फ x वाला टर्म होना चाहिए, तो इसीलिए हम इससे डिवाइड कर देंगे, चलिए देखिए समझिए, हम लोग लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई वाई क्यू, बोथ साइड डिवाइडेड डिवाइडेड बाई वाई क्यू, दोनों तरफ वाई क्यू से डिवाइड कीजिए, किसका वाई क्यू से डिवाइड कीजिएगा, तो चलिए वाई क्यू से डिवाइड कीजिएगा,
तो 1 बटे y क्यूब इनटू में dy बटा dx प्लस में xy बटा में y क्यूब बराबर में xy क्यूब बटा में y क्यूब। अब अगर यहां पे किसी को दिक्कत है तो ऐसा ही लिख दीजिए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट ना समझ पाएगा ना। चलिए y क्यूब दोनों साइड में हम लोग y क्यूब से भाग कर दीजिए ना, तो y क्यूब से y क्यूब कट गया, एगो y से एगो y कट गया, यहां पे हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय y क्यूब इनटू dy बटा dx प्लस, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 बाय y स्क्वायर इनटू में कितना x इक्वल टू में कितना लिख दीजिए x, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करेंगे कि जो यहां पे जो रहेगा, यहां पे जो रहेगा उसको आप z मान लीजिएगा, z या p भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे z मान लीजिए या p मान लीजिए, समझ रहा है ना। तो चलिए यहां पे जो है उसको हम p मान लेते हैं, समझ रहा है ना। तो चलिए देखिए लिखेंगे लेट, लेट मतलब माना कि 1 by y स्क्वायर इक्वल टू में p, या इसको उल्टा करके ले लीजिए p इक्वल टू 1 by y स्क्वायर, समझ रहा है ना। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिएगा dp बटा में dx, dp by dx इक्वल टू में लिख दीजिएगा d 1 by y स्क्वायर, चैनल के अकॉर्डिंग यहां पे उतरेगा y, इनटू में हो जाएगा dy बटा dx। अब चलिए आगे बढ़िए, तो हो जाएगा कितना dp बटा में कितना dx इक्वल टू में 1 by y स्क्वायर को जाएगा minus 2 by y cube into dy बटा कितना dx, कहने का सेंस है यहां से आप dy बटा dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। तो यहां पे देखिए इस 2 को हम इधर कर लेंगे, इस 2 को इस माइनस 2 को इधर कर लीजिएगा, तो ये माइनस 2 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 into dp बटा dx इक्वल टू में 1 बाय y क्यूब इनटू dy बटा dx, मतलब इसके जगह पे आप इतना पुट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे इसके जगह पर आप इतना पुट कर दीजिएगा, तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए -1/2 इनटू में dp बटा dx, dp बटा dx प्लस, अच्छा इसको p माने हैं तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं px और इक्वल टू में क्या लिखेंगे x, अर्थात देखिए -1/2 इनटू में dp बटा में dx है ना, और इसके बाद प्लस में हो जाएगा कितना x into p बराबर में x, हम दोनों साइड में -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड पे क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात लिखेंगे बोथ साइड, कैसे लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड, कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -2, -2 से किस लिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह टर्म खत्म हो जाएगा, बात समझ में आया, यह टर्म खत्म हो जाएगा, लीनियर आ जाएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो लिख देंगे, तो -2 से डिवाइड किया अति मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो dp बटा dx बचेगा, प्लस में यहां पे हो जाएगा -2x into में p और बराबर में हो जाएगा -2x, क्या यहां पे समझ में आया। अब अगर देखा जाए तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया किसके टर्म में, p के टर्म में, यहां पे लिखेंगे this is linear differential equation in p, या p में linear differential equation आया, समझ रहा है ना। तो इसके लिए यहां पे लिखेंगे here मतलब यहां, अच्छा पहले जैसे p था q था तो यहां पे e काम करेगा p का, e काम करेगा q का, लिखेंगे here by small p लिखे थे, capital p लिख देते हैं, तो लिखेंगे capital P बराबर -2x और capital Q बराबर का थी -2x। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे IF, IF निकालिएगा तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDX होता है ना, तो PDX dx समझ रहा है ना, तब PDX हो जाएगा, बराबर में कहने का सेंस है e के पावर, यहां पे यहां पे देखिए p p के जगह पर का दिया -2x इनटू में का dx, अर्थात हो जाएगा e के पावर -x स्क्वायर, -2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x स्क्वायर, तो e के पावर -x स्क्वायर आ गया। इसके बाद चलिए हम लोग अब लिखेंगे सॉल्यूशन, तो वहां पे जो सॉल्यूशन था y गुने if, क्यों, क्योंकि यहां पे dy बटा dx था, यहां पे लिखेंगे p गुने if, क्या लिखेंगे p गुने if बराबर q इनटू if इनटू में कितना dx, चलिए वैल्यू डाल दीजिए p, p का p ना दे देंगे, if का वैल्यू डालिए, if का वैल्यू कितना आया e के पावर -x2,
स्क्वायर, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू का वैल्यू डालिए, क्यू का वैल्यू कितना माइनस टू एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर dx आप इसको t मानिएगा तो कहानी हो जाएगा खत्म, होगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पुट t इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा p इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, हम देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पे शॉर्टकट समझाते हैं, इसको t माने तो खत्म हो गया, तो e के पावर t बचा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t, तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा। अब p के मान पुनः जैसे जो आप माने हुए थे p का मान वो डाल दीजिए, तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो p का मान डाल दीजिएगा तो 1 by y स्क्वायर इनटू e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपका आंसर हो गए, बस हो गया कहानी खत्म, समझे, यही आपका आंसर हो गया। तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होता है, समझता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है tan y into dy by dx plus में tan x equal to cos y into में cos square x, अब अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन लीनियर का ही है, लेकिन हम आप लोगों को बार बार बोले हैं कि लीनियर में जो बराबर वाला जो साइड का रहता है, इस साइड का या तो x के टर्म में हो या y के टर्म में हो, तो अगर से y वाला जो क्वेश्चन जैसे मान लेते यहाँ पे dy बटा dx है, तो यहाँ पे सिर्फ x में होना चाहिए, तो x के अलावा जो टर्म होगा y में उससे पहले दोनों साइड डिवाइड करेंगे, अर्थात डिवाइड करेंगे हम लोग cos y से, तो लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos y, करने का सेंस है कि दोनों साइड में हम लोग cos y से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए cos y से डिवाइड कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा tan y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, बट्टा में कितना हो जाएगा cos y, फिर प्लस में हो जाएगा कितना tan x, बट्टा में क्या हो जाएगा cos y, फिर cos y इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर x, बट्टा में कितना आ जाएगा cos y। देखिए cos ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना sec y इंटू में कभी हो जाएगा tan y इंटू में डी वाई बट्टा डी एक्स, हम क्या बोले हैं कि x के अलावा जो रहेगा उसे आप z मान लीजिए या p मान लीजिए, जो मर्जी, जो चलिए वहां पे p मान लेते थे, यहाँ पे p ही मान लेते हैं। चलिए देखिए लिखेंगे लेट p, p बराबर पे कितना लिखेंगे sec y, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dp बटा में dx हो जाएगा, तो d sec y, देखिए चलो के अकॉर्डिंग sec को छोड़ेंगे, तो dy इनटू में कितना हो जाएगा dy बटा में का dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, dp बटा में कितना dx बराबर में का sec y, sec y को हो जाएगा का sec y इनटू में का tan y इनटू में का dy बटा में का dx, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है इतना के जगह पे हम एक चीज मान डाल सकते हैं, इतना के जगह पर ये थी, चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसके जगह पे हम मान डाल सकते हैं कितना dp बटा में dx प्लस sec y को p वाले हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan x इंटू में p, अब बराबर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए समझिए यह जो देख रहा है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p। देखिए p में यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है ना। अब यहाँ पे बोले थे कि भाई लिखेंगे हेयर मतलब यहाँ एक कैपिटल p मान लेते हैं और इसको कैपिटल q मान लेते हैं, तो लिखेंगे हेयर कैपिटल P बराबर हो गया आपके पास कितना tan x और Q बराबर हो गया आपको कितना cos स्क्वायर x। अच्छा एक बात और देखिए, अगर आपको यहाँ पे P ना मानने का मन करे तो यहाँ पे Z भी मान सकते हैं, यहाँ पे T भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम लोग
जेड मानेंगे या पीए मानेंगे, समझ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते। अब देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पी तो मान लिए, अब देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग सबसे पहले निकालते हैं आईए, क्या निकालते हैं आईए, आईए का फॉर्मूला ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना है tan x into dx। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है जो आपको याद होगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो e के पावर log sec x। और एक चीज और डिस्कस कर ले, आप तो लोगों को सभी को बताया गया था e के पावर log x रहेगा तो इसका आंसर होता है x, ये बात याद रखिएगा। e के पावर अगर दे log x क्यूब रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x क्यूब, तो e के पावर log sec x है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा sec x। अब चलिए अब इसका सलूशन निकालिएगा, तो सोल्यूशन निकालिएगा, तो सोल्यूशन के फॉर्मूला याद कर रखना है y into i a बराबर q into i a फाइ into में कितना याद रखना है dy, सॉरी dx dx, y into i a का वैल्यू कितना है sec x बराबर q, q का वैल्यू आप डाल दीजिए, तो q का वैल्यू हो गया cos स्क्वायर x into में i a का वैल्यू डाल दीजिए, तो i a का वैल्यू कितना है sec x into में का दें dx। तो y into sec x बराबर देखिए a वो sec a वो cos खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा cos x into dx। तो y sec x बराबर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x plus में c, यही आपका लास्टली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और सॉरी एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक कर गए, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन y के जगह पर p होता, सॉरी p होता ना, सॉरी p, अब p के मान यहाँ पे डाल दीजिए, p का मान यहाँ पे डाल देते ना, p का वैल्यू क्या डाले हैं sec y, तो sec y है ना, तो हो जाता है इसका आंसर sec y into में sec x बराबर में cos x का थी sin x का प्लस में का थी c, ये आपका लास्टली आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, है ना, जो अभी बताया है जो और इससे पहले बताया है जो, और उम्मीद रखिए कि आपसे जनरली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसे अभी दो चार क्वेश्चन कुछ और है लेकिन ये सिंपल सिंपल है, या दो नंबर के लिए है, पांच नंबर में यही क्वेश्चन पूछेगा, एक दो होमोजीनियस का क्वेश्चन है उसको हम बता के और हम आगे निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज